हेलो फ्रेंड्स, क्यूरियसी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और छोटों को मेरा प्यार और बड़ों को मेरा प्रणाम। तो आज मैं बनाऊंगी अपनी किचन में बालूशाही। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए तो देखिए, मैं यहाँ पर मैदा ली हूँ। इसका वज़न है 500 ग्राम और हाफ छोटी टी स्पून है इसमें सोडा खाने वाला और 100 ml है रिफाइन। तो चलिए पहले मैदा को मैं छान लेती हूँ अच्छी तरह से। देखिए मैदा को मैं छान ली हूँ। अब इसमें मिलाएंगे खाने वाला सोडा और इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें रिफाइंड डालेंगे, थोड़ा सा रखे हैं और थोड़ा सा डाले हैं, उसको बाद में मिलाएंगे। थोड़ा सा इसको पहले मिला लेते हैं। बचा हुआ रिफाइंड भी सारा डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करेंगे। जब तक ये पूरा मिल ना जाए तब तक हमें धीरे धीरे इसे मिक्स करना है। देखिए सारे मैदे को और रिफाइंड को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और देखिए इसका कलर कैसा बदल गया है। अब इसमें हम हल्का हल्का नॉर्मल पानी ही डाल के इसे डो तैयार करेंगे। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। पानी को एक ही बार में नहीं डालना है, हल्का हल्का करके डालना है। इस तरह से पानी डालेंगे तो आपका डो अच्छा से तैयार होगा। और यदि आप एक ही बार में पानी डाल देंगे तो गीला कहीं हो जाएगा, कहीं मिक्स नहीं होगा, इस बातों का ध्यान रखें। और हमारी वीडियो को यदि अच्छी लगे आपको हमारी वीडियो तो लाइक शेयर करें दोस्तों को। देखिए आधा मेरा डो तैयार हो चुका है, क्योंकि रिफाइंड से ही मेरा लड्डू बनाने लगा था। इसमें हल्का हल्का पानी ही लगता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होता। और हमें 500 ग्राम में कम से कम 500 ग्राम मैदा में कम से कम 100 ml हमें देना है ऑयल को। और ये मैंने ऑयल RCM का ये ऑयल है, हेल्थ गार्ड, उसी को मैं यूज की हूँ। देखिए मेरा डो तैयार हो गया है, ना ही ज़्यादा नरम है ना ही ज़्यादा सख्त। इसी तरह हमें डो तैयार करके रखना है। अब हम गैस पर चढ़ाएंगे अपने तवा को, ऑयल गर्म करने देंगे। जब तक मेरा ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मैं बालूशाही के लिए चाशनी बना लूँगी। तो देखिए चाशनी के लिए बनाने के लिए मैं इस कप से चीनी नाप रही हूँ, एक कप, दो कप। इसकी मात्रा है 120 ml, इसमें लिखा हुआ है 120 ml, तो हुआ 240 ml। और इससे पानी ऐड करेंगे, दो कप पानी ऐड करेंगे। अब इसे गैस पर चढ़ा देते हैं, तब तक ये बनेगा और तब तक मैं इधर बालूशाही फ्राई करूँगी। बालूशाही बनाने के लिए देखिए मैं छोटे छोटे इस तरह से लोई तोड़ ली हूँ और इसे गोल कर ली हूँ। अब इस तरह से हमें दबाना है और इस तरह से प्रेस कर देना है और इसे रखते जाएंगे इसी तरह सारा बना बना के। देखिए चीनी में ऐड हो चुका है, लेकिन अभी चाशनी तैयार नहीं है। जब ना चाशनी हमें गाढ़ा करना है अधिक ना ही पतला, तो
अभी से मैं पकने देती हूँ 5 मिनट तक, तब मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और चीनी जब पिघलती है तभी इसमें थोड़ा सा मैन चीनी का जो होता है वो आता है, उसमें 1 चम्मच आप दूध दे देंगे तो इसका मैल जो है बहुत आसानी तरह से निकल जाता है। देखिए ऑयल हमारा हल्का गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्की गर्म में हमें डालना है। जितना अधिक गर्म ऑयल में डालेंगे तो दोस्तों आपका अंदर से तो कच्चा ही रह जाएगा और बाहर से पक जाएगा, इससे स्वाद अच्छा नहीं आएगा, इसीलिए हमें हल्का ही गर्म ऑयल में डालना है ताकि ये अच्छी तरह से पके। आप हमेशा यदि इंडक्शन पर बना रहे हैं तो मीडियम में ही बनाएं, और गैस पर भी बनाएं तो मीडियम आंच पर ही बनाएं। देखिए एक तरफ से ये पक गया है हल्का हल्का सुनहरा कलर, मैं पलट के दिखाती हूँ आप लोग को। देखिए अब इसे मैं सारे को पलट लेती हूँ, और ये देखिए कितना छोटा छोटा मैं डाली थी और कितना बड़ा बड़ा हो गया है। अभी तो ये आधी पकी है और पूरा पकना बाकी है, तो ये और बड़ी बड़ी हो जाएगी। तो मैं सारे को पलट लेती हूँ और मीडियम आंच में ही फिर इसे मैं पकाऊंगी। दोनों तरफ से मैं सुनहरा इसे कर लेती हूँ, तब आप लोग को दिखाऊंगी। देखिए हमारी चटनी मेरी है तो इस तरह बनाना है। देखिए चटनी को इस तरह हाथों से छूना है और इस तरह से देखिए इतना ही चिपचिपा जैसे लाल जैसा बन रहा है, इसमें देख सक रहे हैं। इसी तरह से चटनी को बनाना है और अब मैं गैस को कर दूंगी बंद। देखिए हमारी बालूशाही का कलर आ चुका है, अब इसे मैं सारे को निकाल लूंगी। इसमें देखिए कितनी सारी दरारें आई हैं, कितनी खास्ता लग रही है देखने में ही, खाने में भी लगेगी। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। और दोस्तों गरम चाशनी में हमें नहीं डालना है, चाशनी को थोड़ा सा हल्का गरम रखना है और इसे हल्का भी गरम तभी डालेंगे। अधिक चाशनी यदि गरम रहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में, और हल्का चाशनी गरम रहेगी और ये वाला मीडियम गरम, तो इस तरह से इस बालूशाही का जो खस्तापन बना ही रहेगा। तो मैं चाशनी को ठंडा होने दे दी हूँ और बालूशाही मेरा भी गरम है तो इसे भी हल्का सा ठंडा होगा, तब मैं इसे डालूँगी। देखिए फ्रेंड हमारा चाशनी हल्का सा गरम है और ये बालूशाही भी जो है हल्का गरम है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तोड़ के। देखिए दरारें तो बाहर में आई भी है और अंदर देखिए इसका अंदर में कितना ही दरारें आए, आपको मैं क्रश करके दिखाती हूँ। ये देखिए आप इसको इसे इस तरह से चूरेंगे तो ये पाउडर बन जा रहा है, तो अब मैं इसे डालूँगी एक एक करके। चाहे इसे डालते हैं तब तक ये चाशनी पिएगी तो अच्छा लगेगा खाने में। और आप चाशनी में कलर का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कलर का यूज नहीं की हूँ। ऐसे भी इस बालूशाही का कलर बहुत ही अच्छा आया है, और देखने में भी अच्छा लग रहा है। इसे 5 मिनट तक हम रहने देंगे तो ये अपने ही रस को सोखेगा। देखिए इस तरह चलाने से भी ये टूट भी नहीं रहा है और खस्ता भी बहुत है, देख सकते हैं। अब इसे बस रस को पीने का
देरी है, जब ये रस पी लेगा हल्का हल्का बहुत तो ही अच्छी तरह से, तब ये हमारा बालशाही रेडी है। देखिए फ्रेंड्स, आधा डो मेरा भी बनाना बाकी है और मैं यहाँ आधा का बना ली हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ बना ली थी और अभी मेरा कुछ बाकी है। तो देखिए हमारा बालूशाही रेडी है, देख सकते हैं इसका कलर कैसा आया, बताइएगा आप लोग कमेंट में। और यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो देखने के लिए दोस्तों, धन्यवाद।